स्वागत है आपके अपने चैनल साक्य ब्लॉग्स में। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि एक साल का रिव्यू दूंगा मैं गौर सिटी में रहने का, एंड स्पेशली गौर बिल्डर के फ्लैट में जो उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था। सो बेसिकली हमारा 3 BHK है। सो गाइस मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा कि क्या क्या इशूज़ आए एंड क्या पॉजिटिव चीज़ भी, ऐसा नहीं है सब नेगेटिव ही है, पॉजिटिव भी होगी, ठीक है ना। सो क्या क्या नेगेटिव है, क्या क्या पॉजिटिव है, चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है गाइस। सो पहले शुरुआत करते हैं गाइस, ये आपको चमचमाती हुई टाइल्स दिख रही होंगी। सो ये टाइल्स की चमचमाहट नहीं है, ये लाइट्स की चमचमाहट है। तो पहले मैं दिखाता हूँ आपको टाइल्स में क्या इशू है। ये देखिए, एक साल से पहले ही ये गड्ढा पड़ गया था, ठीक है, टाइल्स पे ये, एंड फिर आप ये देखिए, ठीक है, ये तो मेरे ख्याल से पहले ही पड़ गया था जब इन्होंने कंस्ट्रक्ट कर दिया। हमारी ये गलती थी, हमने चेक नहीं किया। तो आप कभी भी आए तो चेक करें सबसे पहले कि टाइल्स कहीं पे छेद तो नहीं, कुछ तो नहीं। उसके बाद ये देखिए, ये धीरे धीरे हटने लग गए हैं टाइल्स के बीच में से, देखिए हल्का हल्का पीस टूटने लग गया। ऐसे ही ये अंदर भी है सेम चीज, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पर भी ये देखिए, अंदर वाले रूम में भी ये सेम चीज है, टाइल्स टूट रही है, ठीक है। सो ये इशू है बहुत बड़ा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड इशू जो आपको फेस करना पड़ेगा कि आपको दिख ही जाएगा, बिकॉज ये तो हमने अभी किचन बनवाया है नया, बिल्कुल सब तोड़ ताड़ के। जो इनका ओरिजिनल किचन है वो बहुत ही बेकार क्वालिटी का है, एंड मुझे कुछ लोग मिले भी थे जब यहाँ आए थे उससे पहले, एक भैया मिले थे, उन्होंने बताया था कि भैया थे शायद, हाँ वो शायद रेंट पे रह रहे थे, तो मुझे नीचे मिले थे, कुछ खा रहे थे वो नीचे, तो उन्होंने मुझे बताया कि 6 महीने में ही लकड़ियाँ गलने लग गई थी उनकी बुरी तरह। सो गाइज हमने पूरा किचन चेंज कराया है, एक भी उनका नहीं है कुछ भी एक्सेप्ट दिस, और ये भी बहुत कम क्वालिटी की है, ठीक है, सिंक बहुत ही कम क्वालिटी का, लेकिन हमने कहा चलो यार इतना भी नहीं है कि सब कुछ मतलब हटा देते हैं, कुछ तो यूज़ कर लेते हैं, तो हमने ये यूज़ किया सिर्फ, पूरे किचन में आपको वही मिलेगा। एंड उसके बाद जब आप अपना किचन तोड़वाएंगे सबसे आपको उसकी कॉस्ट भी खुद बेयर करनी पड़ेगी, तो मैं आपको यही बोलूँगा अपने बिल्डर को पहले ही बता दीजिए हमें आपका किचन नहीं चाहिए। सो आपको क्या होगा उससे, आपका कॉस्ट बचेगा। कैसा कॉस्ट बचेगा, आपको बेसिकली जो किचन तोड़ने का पैसा है ना, जो उन्होंने किचन पूरा बना दिया है, सो वो आपको बेयर नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज हमने जब किचन तोड़वाया अपना पूरा, आप सोच लीजिए ये वाला, ये स्टोन भी तोड़वाया, ये भी तोड़वाया, बिकॉज ये सब नहीं देते हैं वो, ये इसमें से कुछ भी नहीं देते, ऊपर कुछ भी नहीं देते, सिर्फ वो ये पार्ट देते हैं, वो भी बहुत ही बेकार, ठीक है। अगर मेरे पास इमेज होगा तो मैं लगा दूंगा पुराना, कभी नहीं होगा तो फिर आप देख सकते हैं किसी फ्लैट में जाके, ठीक है ना। सो गाइज सबसे बड़ी चीज़ यही थी कि मुझे उसके एक्स्ट्रा पैसे देने, 5,000 रुपये लग गए उसको तोड़वाने में ही, लिटरली 5,000 से ऊपर ही लगा था, ठीक है ना, क्योंकि उसका मलबा होता है वो भी हटाना सब कुछ है ना, सो उसके पैसे अलग देने पड़ गए, ठीक है ना। दूसरी चीज़ आती है आपकी, ये जो हैंडल्स एंड ये लॉक्स होते हैं, यू नो ये चटकनियाँ होती हैं, इसकी आती है, ठीक है ना। इसमें आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ऊपर देख रहे हैं आप, वो टूट गई जो इसको लगनी है, यही चीज़ टूट चुकी है, एंड ये लॉक ठीक है, ये अच्छा है, गोदरेज का लॉक है तो ये अभी तक अच्छा है, ये लॉक इसमें कोई इशू नहीं आया अभी तक, ठीक है, जो चीज़ ठीक है वो ठीक है, उसमें कुछ नहीं बोल सकते। एक चीज़ और होती है, फिर आपके दरवाजे, जो ये दरवाजे हैं तो मैंने अभी उसके बाद से फिर से रिनोवेट करवाया है, बिल्कुल फिर से इसको डेकोरेट करवाया है, जो इनका दरवाज़ा है वो तो बिल्कुल फट्टा होता है, ठीक है ना, अभी भी फट्टा ही है, बिकॉज मेन तो इनका गेट ही है, जो ये वाला गेट है, ठीक है ना। दिक्कत ये होती है, देखिए आप हिलने लग गए, ये लॉक लगता नहीं है फिर ये इससे, लेकिन मैंने अभी तो अभी ठीक करा रखा है इसको, तो इसलिए लॉक लग रहा है, एंड नॉर्मली लॉक लगता नहीं है। तीसरी चीज़ आती है आपकी, ये देखो भाई इसे चैन नहीं, रुक जाओ रुसू अभी नहीं बेटा, इसको भी ये भी कह रहा सही बात। सो तीसरी चीज़ आती है इस वॉशरूम में, अगर आप जाए ना, सो वॉशरूम में सबसे बड़ी चीज़ है ये पहले दरवाजे, ये आपके फूल जाते हैं। सो ये दरवाज़ा तो अभी ठीक हो गया, बिकॉज आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखिए रंदा लगवाया मैंने कितनी बार, तो मैं पेंट करवाता ही नहीं, बिकॉज पेंट करवा के क्या होता है आपका बार बार दरवाज़ा फूलता है, एंड फिर रंदा मरवाना पड़ेगा, तो फायदा क्या, पेंट खराब हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितनी बार रंदा मरवाया मैंने इस वाले पे, तो ये बिल्कुल फूल जाता है एंड ये लगता नहीं है, ठीक है ना। सो ये इशू है इसका बहुत बड़ा, दरवाजों का फूलने का इशू बहुत ज़्यादा है, वॉशरूम के दरवाजे फूल जाते हैं, ये देखिए ऊपर से भी रंदा मरवाया हुआ है, ठीक है। तीसरी चीज़ आती है, आपको मैं लाइव दिखा देता हूँ, अभी हमने लगवाया नहीं है और ये ऑर्डर करने वाले हैं, तो ये पाइप देख रहे हैं ये हमने लगवाया है, इनके जो पाइप है 2-3 बार चेंज हो चुके हैं और वो ख़राब भी हो चुके हैं, फट जाते हैं इनके पाइप, ठीक है।
और ये देखिए इसमें हमने जुगाड़ किया हुआ है अभी कुछ दिन के लिए, बिकॉज ये फट चुका है इनका ये, और इसमें से पानी लीक हो रहा था, तो हमने ये भी चेंज कराना। ये मैंने दूसरे वॉशरूम में ऑलरेडी चेंज करा दिया, देखिए ये भी चेंज है, ये चेंज नहीं हुआ, ये चेंज करवाना पड़ेगा हमें। और इसके अंदर ये जो स्टार्टिंग में आया था इसका फ्लश ही खराब हो गया, मतलब दोनों का जो दोनों वॉशरूम उनके खराब हो गए, वो इसके अंदर भी खराब हो गया, रिप्लेस करवाया वो भी। चलिए वारंटी में था इसलिए हो गया ठीक उनकी तरफ से, तो उसमें कोई इशू नहीं आया। इसकी बात करते हैं, ये तो तब भी ठीक ही चल रहा है, इसमें कोई इशू नहीं। और ये देखिए सिंक देख रहा है क्या डांस कर रहा है, ये देख लो यहां से निकल गया ऑलमोस्ट ही बाहर। सो भाई ये इशू है जो बेसिक तो लगते हैं लेकिन ये बहुत बड़े इशू हो जाते हैं, बिकॉज आप सोचिए ना दोनों वॉशरूम के हमारे वो खराब हो गए थे, जो भी जेट है दोनों वॉशरूम का खराब हो गया था, पाइप निकल गया था। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इनकी जो आफ्टर सेल्स गाड़ी में बोलते हैं सर्विसिंग होती है, इनकी मेंटेनेंस होती है वो कैसी होती है। ये देखिए दूसरे वॉशरूम में आ गया हूँ मैं, इसका भी आप देख रहे होंगे कि पाइप चेंज है, ये हमने अपना लगवाया है, बहुत महंगा वाला लाए हैं हम ये वाला। एंड ये देखिए ये भी हमने चेंज करा दिया इसका, तो उसका भी लाना है, उसको भी चेंज करवाना है एक्चुअली। तो ये देखिए सेट भी नहीं हो रहा सही से इसमें, ठीक है। तो भाई ये तो होगा इसका, सेम इसका था, इसमें भी इशू आ गया था, दरवाज़ा बंद होना, बंद मतलब नहीं लगाना सही से, तो बड़ी मुश्किल से ये भी ठीक कराया है हमने, ठीक है। तो ये तो भाई हो गई वॉशरूम की बात, कमरों की लॉक की बात, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ एक और अलग इशू, ठीक है ना, जो हमें फेस हुआ इस वाली गैलरी में। एंड जैसे कि हमारा एक साल हो गया था उसके बाद हमें ये वाला इशू फेस हुआ, तो उन्होंने बोला आपको जो भी मटेरियल होगा वो खुद लाना पड़ेगा, तो मैं बताऊंगा उसका भी क्या एक रीज़न होता है। तो ये था, ये हमारा लॉक लग नहीं रहा था, ये देखिए ये, तो ये ख़राब हो गया था गेट कुछ टाइम पहले, और लगने में दिक्कत हो रही है इसके। तो ये गेट भी, ये देखिए, तो ये गेट में भी इशू है, एंड वो मुझे पता नहीं अभी ठीक हुआ ही नहीं हुआ, बिकॉज मम्मी ने बताया था वाला गेट भी लग नहीं रहा है, दिक्कत हो रही है उसको, बहुत टाइट हो रहा है, ठीक है ना, वो भी इशू आते हैं। और मैं आपको बताऊं अगर इशू और क्या है, टाइल्स, ये जो बाहर की टाइल्स हैं ये देखिए क्रैक पड़ गया, एक साल भी नहीं हुआ, ये पहले पड़ गया था, ये देखो कैसे बसता है ये। तो इसमें जब भी आप चलेंगे इसमें बहुत बेकार आवाज़ आती है, बिकॉज ऑब्वियसली बात है क्रैक पड़ चुका है। और आप सोचिए मैचिंग वाला आप कहाँ से लाएंगे, बिकॉज सेम एग्जैक्ट टाइल्स मैच करना है बहुत मुश्किल बात है, ठीक है ना। अभी आपको दिखा देता हूँ मैं, बहुत मस्त मौसम हो रखा है, बारिश हो रही है, और सबसे बड़ी डिमेरिट अभी जहाँ हम रह रहे हैं 7th Avenue में उसकी क्या है, ये देखिए, ये जब से हम आए एक साल से तो ऊपर से काम चल रहा है इस पे, ये पार्क पे इतने लोगों ने धरना दे दिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन यार किचन में एक बहुत बड़ा इशू है इसमें, तो मैं आपको बताता हूँ वो इशू है क्या एक्चुअली, यू नो। तो जब आप फ्लैट लेते हैं ना तो आपको ये जो चिमनी होल है ना ये मिलता नहीं है, जो आप देख रहे होंगे ना ये मैंने प्लास्टिक लगा रखा है, तो ये चिमनी होल मिलता नहीं है, एंड आपको अलग से करवाना पड़ता है, वो भी परमिशन लेके अपने मेंटेनेंस से, वो आपको बताएंगे कहाँ करना है, बिकॉज इस वाली वॉल पे हम कराने वाले थे तो हमें पता लगा है बहुत सारे पाइप्स एंड यू नो वायर्स जा रही है, तो यहाँ नहीं करवाया हमने। तो आप ये सोचिए कि अगर आपको ये करवाना है तो आपको प्रॉपर 2,500 या 2,500 रुपये देने पड़ेंगे आपको ये करवाने के, तो आप सोच लीजिए, बिकॉज ये चीज़ तो बेसिक चीज़ है, ये बिल्डर्स को अपने आप ही देनी चाहिए बिना किसी के बोले। तो ये बहुत बड़ा मुझे मतलब डीमेरिट लगा यहाँ का, इस फ्लैट का। एंड अब तो यहाँ पर आप ये करवा भी नहीं सकते, बिकॉज उनके अकॉर्डिंग चिमनी होल कराने से जो मशीन आती है बहुत बड़ी, उससे यू नो पूरा वो वॉल को निकाल लेते हैं उस पर्टिकुलर पार्ट को, तो उससे क्या हो रहा है बिल्डिंग का जो ढांचा है यू नो स्ट्रक्चर वो हिल रहा है, तो वो भी एक इशू हो गया। जो अब नए लोग आ रहे हो बेचारे वो करवा नहीं सकते चिमनी में होल, तो चिमनी का होल कराने में आपको बहुत बड़ा इशू आएगा यहाँ पर, तो ये भी आप देख के चलिएगा। तो गाइज अगली बात आती है इन स्विच बोर्ड्स की, बेसिकली ये जो गॉड वाले यूज़ कर रहे हैं स्विच बोर्ड्स, ये बहुत हल्की क्वालिटी के हैं, जो आपकी मिलते भी नहीं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं, ठीक है ना। एंड मैंने अपने काफ़ी स्विच बोर्ड चेंज भी कराए हैं, कंपनी के लगवाए हैं, सो ये मेरे नए वाले स्विच बोर्ड्स हैं, बिकॉज मैंने काफ़ी चीज़ें करवाई थी यू नो लाइटिंग एंड ऑल चेंज करवाई थी, तो इनके मैंने स्विच बोर्ड्स जो जहाँ पर हैं वो तो रहने दिए, और लेकिन जो हटाने की जरूरत पड़ी वो हटा दी, जैसे हनीवेल के इनके स्विच बोर्ड्स हैं, तो हनीवेल बहुत ही पुरानी कंपनी, बेकार कंपनी है, तो ये देखो यार ये तंग कर रहा है, एक तो ये नहीं जीने देता सही से, और एक बिल्डर नहीं जीने देता, देखो देखो नो ब्रूसू सेट गुड बॉय। तो भाई ये था सारा
अभी तक का जो मुझे इशू आया, पता नहीं बहुत सारे इशू भी हो सकते हैं। हाँ एक इशू मैं और बताता हूँ आपको। तो ये तो भाई डिज़ाइनर्स की, मतलब जो यहाँ के डिज़ाइनर होंगे या आर्किटेक्ट होंगे, बहुत ही महान लोग हैं मेरे ख्याल से। आप देख सकते हैं ओपनिंग इसकी यहाँ से है, ठीक है ना, ये साइड इसकी ओपनिंग है, ठीक है। अब आप एक चीज़ बताइए मुझे, ये दे दिया इन्होंने फ्रिज का स्विच यहाँ पर, तो बंदा जब यहाँ फ्रिज रख देगा और यहाँ उसका डाइनिंग टेबल आएगा, ओ तो आप मुझे बताइए निकलेगा कहाँ से वो? तो बारह फ्रिज अड़ेगा उसके, तो अगर वो हल्का सा ऐसे रास्ता बना के निकलेगा। एंड कितना सुटेबल है आपको लगता है ये फ्रिज का यहाँ पर? वो इसी चक्कर में हुआ क्या, हमें फ्रिज यहाँ रखना पड़ गया। अब दिक्कत क्या है, फ्रिज अटैच है हमारा इन्वर्टर से, तो जब भी इन्वर्टर चलता है हमें इसको बंद करना पड़ता है, बिकॉज जब लाइट जाती है, बिकॉज ये पूरा लोड ले रहता है, उसके बाद हमारा बंद हो जाता है ओवरलोड से पूरा बिजली, ठीक है ना। एंड एक चीज़ अच्छी है जो अभी, अब ये तो सारे डीमेरिट्स हो गए, जो जो नुकसान थे इस यहाँ पर आने के, यू नो जो जो मतलब ठीक है इश्यूज हैं, वो रह के पता लगेगा आपको, ऐसे तो पता लगेगा नहीं, जो मेरे एक्सपीरियंस है मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। दूसरी चीज़ है कि जो मेंटेनेंस वाले हैं वो आपको कैसे ट्रीट करते हैं, तो जैसे कोई मेजर इशू होगा, जैसे उनका सामान नहीं है, तो उसमें थोड़ी देर लगेगी आपको, वो बार बार टरकाएंगे आपको कि ये है ये, उससे बढ़िया है भाई आप जल्दी जल्दी उनके पीछे पड़ जाइए, ये मत देखिए, बिकॉज आप अगर टालते रहेंगे वो भी टालते रहेंगे, उनको कोई इशू नहीं है, सामान होगा तो वो लगा देंगे, कोई ऐसा भी नहीं है कि सामान नहीं होगा, लेकिन जब नहीं होगा तो उनको मंगवाना पड़ेगा आपको बार बार बोल के, ठीक है ना। सो पहली चीज़ ये, इन्वर्टर भी हमारा बहुत देर में आया था, ठीक है ना, हमने बोल बोल के पहचान करा था ये पानी का है, हमने कम से कम भाई एक महीने तक बोतल मंगवाई थी, वो बड़ी वाली बोतल होती है 20 लीटर की, उससे पानी पी रहे थे, ठीक है। सो ये था सारा इसका डीमेरिट्स अभी तक के जो भी इस फ्लैट में थे। अब मैं बताता हूँ इसके मेरिट्स, ठीक है। सो आप जिस भी सोसाइटी में जाएंगे जो पुरानी बनी हुई है, उनमें क्या होता है, आपको देते हैं वो पावर बैकअप, जो जनरेटर चलता है, ठीक है। जनरेटर चलता है तो इसका मतलब क्या है, जब भी लाइट जाएगी आपकी 17 रुपये यूनिट या 18 रुपये, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी 15 या 17 के बीच में ही था, वो आपको चार्ज करेंगे। बिकॉज मेरा ब्रदर रहता है 5th Avenue में, तो उन्होंने मुझे बताया था कि उनका बिल 7,000 कभी 8-9,000 ऐसे ख़त्म हो जाता है 15-20 दिन में। बिकॉज वो क्या होता है, कभी लाइट नहीं जाती है, सोसाइटी वाले क्या करते हैं मेंटेनेंस वाले, वो कभी कभी लाइट ऐसे भी उड़ा देते हैं, जो मैंने सुनाई में आया, अब मुझे पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन मैंने बहुत जगह सुना है। और उससे क्या होता है, आपका पावर बैकअप का आ जाता है, उसके बाद आपका पावर बैकअप आपको 17 रुपये 18 रुपये यूनिट चार्ज होता है, उससे आपको ऑब्वियस ही बात है आपका बिल ज़्यादा रहेगा, ठीक है। इन्होंने क्या किया है यहाँ पर, हमें इन्होंने दिया है इन्वर्टर, और स्टार्टिंग में मैं बताता पावर बैकअप होगा, तो मुझे बहुत बुरा लगा था कि यार पावर बैकअप तो बहुत इशू होगा, तो उन्होंने इन्वर्टर दे दिया, ये सोसाइटी ने खुद दिया है जो यहाँ पर मेंटेनेंस है, ठीक है। तो आपको इन्वर्टर वाला सीन है, आपको चार्ज करो और कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। फिर आपको इन्होंने ये भी दिया आरो, तो पानी के लिए सही रहता है, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन इशू ये हुआ कि यहाँ का फोर्स इतना तेज है ना, तो पहले ही अपने फ्लैट में आके वो भी लगा रहे हैं, खुद ही लगा रहे हैं वो, तो ये चीज़ होती है पीवीसी वॉश बोल के बोलते हैं इसको, इससे थोड़ा सा फ्लो मतलब जो होता है आपका पावर प्रेशर जो होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, तो उससे क्या होगा, हमारा प्रेशर ज़्यादा होने से हमारे इसके दोनों फिल्टर फट गए इसके। अब वो फिल्टर बहुत महंगे आ रहे थे यार, मतलब नॉर्मली 1,000-1,100 रुपये के आ रहे थे, 1,100 रुपये के, तो वो 2-3 महीने में सोचो फिल्टर फट गए तो कितना महंगा पड़ा है ना हमें। सो ये इशू था, ठीक है इसमें। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि उन्होंने हमें पावर बैकअप दिया, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी वाला इशू खत्म हो गया अपना बिल्कुल, और पानी का तो ये ठीक है। एडवांटेजेस और भी हैं यार कि आपकी सोसाइटी में जो सिक्योरिटी है, जैसे आपको इशू है तो आप उनको बोल सकते हैं, वो तुरंत यू नो एक्शन होता है। एंड आपको कभी भी कोई इशू हुआ है, आपको सीसीटीवी फुटेज देखनी है, उसके लिए भी आपको फटाफट वहाँ से रिस्पॉन्स मिल जाता है, ठीक है ना। आपको ऐसा नहीं है कोई लंबा लटकाएंगे, आपको कोई इशू है तो आप देख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात वो नहीं है, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। साफ़ सफाई देखा जाए बाहर की होती है, मैं ये नहीं बोलूँगा नहीं होती, लेकिन कभी कभी जो बाहर की वो मैडम होती हैं, क्या नाम है, जो भी हमारी साफ सफाई कर रही हैं, वो कभी कभी नाराज़ रहती हैं, तो आपको कंप्लेन कर दोगे तो वो भी इशू सॉल्व हो जाता है, ठीक है। ये देखिए तो अच्छा वाला साफ़ है, वो तो बाद में जो गंदा होगा वो तो यार बाद में होगा, अगले सुबह ही होगा आपका सही, ठीक है ना। तो ये छोटे मोटे इशू हैं जो हमने फेस किए अभी तक, एंड ज़्यादा बड़े इशू फेस नहीं किए हैं, जो मैं सच बोल रहा हूँ आपको, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, बहुत बड़े बड़े इशू हुए हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। किसी की हमारे बगल वाले फ्लैट में एक इशू और आ गया था, जो कि इनकी अली खिड़की वर्क नहीं कर रही थी, तो ये भी बाद में उन्होंने ठीक करा ली थी, बिकॉज इसको प्रेस करके ऐसे खोला जाता है, बंद हो जाती है, ठीक है ना। तो ये वर्क नहीं कर रही थी उनकी, तो ये फिर ठीक हो गई थी, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो अगर आप कंप्लेंट करेंगे ढंग से, आप भी यू नो प्रॉपर उनके साथ तालमेल बना के रखेंगे, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप भूल जाएं, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। एंड अगर आपके पास पेट्स हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया फ्लैट है, बिकॉज इतनी बड़ी इसकी गैलरी है, तो
और इतना बड़ा एरिया है तो आपका पैट कभी भी बोर नहीं होगा, इधर उधर घूमता रहेगा अगर आप उसको बांधते नहीं है तो, ठीक है ना। एंड ऐसा कोई इशू नहीं है उसके बाद तो, बाकी सब बढ़िया है। लेकिन आप अपना पोजीशन लेने से पहले ज़रूर 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 PDI करें, ठीक है ना। बिकॉज उसके बाद फिर आपको लगेगा कि यार ये क्या हो गया। बिकॉज उसके बाद क्या होता है, एक बार अगर आप पोजीशन लेने से पहले अगर इशू बता देते हैं तो वो पोजीशन ऑफिस देखता है, वो उनकी गारंटी है कि भाई वो ठीक करके देंगे। उसके बाद भी हो जाता है इशू, ठीक, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर आपको, और आप एक बार शिफ्ट कर लेंगे तो आपको इश्यूज होंगे, क्योंकि आप शिफ्ट कर लिए तो उसके बाद मेंटेनेंस वाले देखेंगे, फिर आपको तोड़फोड़ मचेगी, वो सब आपको भी पता ही है। फिर बहुत इशू आता है आप शिफ्ट हो गए तो, शिफ्ट होने से पहले अपने सारे इशू रिजॉल्व करा लीजिए, उसके बाद तो आपको पता ही लगता रहेगा, धीरे धीरे इशू आते रहेंगे आपको, तो वो आपको टाइम टू टाइम सॉल्व होते रहेंगे। एंड मैं ये भी बता दूं कि हर कोई परफेक्ट जगह तो कहीं नहीं होती, परफेक्ट अपार्टमेंट कोई नहीं होता, परफेक्ट बिल्डर कुछ नहीं होता, तो ये तो भूल जाइए कि आपको कहीं भी परफेक्ट मिलेगा। बिकॉज ये जो सिचुएशन है ये हर जगह है हर बिल्डर के। लेकिन आई वुड टेल यू कि अभी जो मैंने जितने बिल्डर्स का सुना है, या कहीं रजिस्ट्री नहीं हो रही, कहीं पे कुछ इशू है, कहीं कुछ इशू, कहीं पानी नहीं आ रहा, तो उससे तो बहुत ही लाभ होना बेटर है गॉड बिल्डर। एंड इसके मैंने कोई पैसे नहीं लिए बोल लेके, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज भी हैं जो कि लोगों को नीचे सिक्योरिटी के इश्यूज पड़े हैं, बहुत ज़्यादा लोगों ने धरने भी दिए हैं इस चक्कर में जो बन नहीं रहा है यहाँ पर। तो इस मामले में मैं बोलूँगा कि हाँ यार बहुत सुस्त है, कि एक साल हो गया है कम से कम क्या, बहुत ही ऑलमोस्ट एक साल से ऊपर निकल चुका है, ये अभी तक बना नहीं है, ठीक है ना। ऐसी हमारे घर भी कोई आता है वो देखता है यार कि ये बना क्यों नहीं अभी तक, इतने साल हो गए, पहले भी आया था ऐसे ही था, अभी भी ऐसे ही है ना। तो अब फ्लैट ही बन चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, तो ये बन जाना चाहिए मेरे हिसाब से तो। एंड होपफुली, मैंने पूछा था उनसे तो उन्होंने दिसंबर का टाइमलाइन दिया, दिसंबर में क्लब और ये पार्क सब खुल जाएगा, एंड उसके बाद लोग अपना वहाँ जो भी है उनका वहाँ पर पार्क में जाना है, जो भी एक्टिविटीज है वो अपना कर सकते हैं, जैसे कि अपनी फैमिली के साथ बैठना जो भी है ना, तो उसके बाद वो यूज़ कर सकते हैं प्रॉपर उस जगह को, अपना ये स्विमिंग पूल, अपना पार्क, अपना क्लब हाउस, ठीक है। सो गाइज, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। एंड जो भी चैनल में नए हैं, स्पेशली मेरे GC7 और गॉड सिटी के जितने भी लोग देख रहे हैं यहाँ पर, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, मैं नई नई अपडेट लाता हूँ। और कोई भी आपको इशू है अपना कुछ भी, अगर आप भी अपने मकान का रिव्यू देना चाहते हैं, अपने फ्लैट का रिव्यू देना चाहते हैं, वो 2 BHK हो 3 BHK कोई फर्क नहीं पड़ता, तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। एंड हो सका तो मैं आपसे कॉन्टैक्ट करूँगा, वापस जरूर करने की कोशिश करूँगा अगर मैं यहीं पर रहा हूँ, ठीक है ना। एंड आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ, एंड ऐसे ही देखते रहिए साकिया ब्लॉग्स। जय हिंद, जय भारत, सी यू वंस अगेन, बाय बाय।